हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड कुटोर। मैं हूं चेतना पटेल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट वाली रेसिपी, जीरा राइस। राइस कई तरीकों से बनाया जाता है, पर जीरा राइस की बात ही कुछ और है। तो चलो बनाते हैं परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल जीरा राइस। जीरा राइस बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1 से 1.5 लीटर पानी को ढककर गरम करेंगे। जैसे ही पानी गर्म होता है, 1 कप भिगोया हुआ बासमती राइस डाल देंगे। यहाँ पे मैंने सैला बासमती राइस को 2 से 3 बार धो के 2 घंटे के लिए भिगो के पानी निकाल के लिया है। अब इसमें नमक डालूंगी ताकि चावल में भी नमक का टेस्ट आ जाए, और 1 टीस्पून तेल डालेंगे ताकि राइस एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और इसके साथ ही एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, नींबू का रस। नींबू का रस डालने से क्या होगा, राइस हमारा एकदम खुला खुला और सफ़ेद बनता है। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नींबू का रस डालूंगी और इसको उबलने के लिए रख दे। 5 से 7 मिनट में ही राइस उबल के ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब है राइस हमारे पक चुके हैं। चावल को एक बार चेक कर लेते हैं, 1-2 दाना निकाल कर टेस्ट कर लेते हैं। अगर थोड़ा मैश होने लगता है तो इसका मतलब है राइस हमारे पक चुके हैं। हमारा चावल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको छन्नी में निकाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, चावल में से सारा पानी निकाल कर तुरंत ही एक प्लेट में फैला देंगे। फैलाने से क्या होगा, चावल खुला खुला रहेगा। आप देख सकते हैं चावल कितने खुले खुले लग रहे हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दे। अब पैन को गरम कर लेते हैं। इसमें 1 चम्मच बटर, 1 चम्मच तेल डालकर गरम करेंगे। जैसे ही तेल गरम होता है, जीरा डालेंगे। जीरा को लाइट ब्राउन होने तक सौते करेंगे। अब राइस डाल देते हैं, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और रोस्टेड जीरा पाउडर से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। राइस हमारे रेडी है, सर्विंग बोल में निकाल देते हैं। ये राइस आप राजमा, करी, दाल या छोले के साथ सर्व कर सकते हैं, और आप इसे गर्म ही सर्व करें। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक रेसिपी के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।